पीएम मोदी ने बच्चों से की परीक्षा पर चर्चा, दिए सफलता के टिप्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया, बताया दूरदर्शी। पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा से परेशान नहीं होने का टिप दिया है, कहा जीवन के हर मोड़ पर देते हैं परीक्षा, इसलिए परीक्षा को खुद पर हावी ना होने दें, मुझे भरोसा है आप सफल होंगे। कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से, एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। तालकटोरा स्टेडियम में छात्र संघ परीक्षा पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने बच्चों की जिज्ञासा का निदान किया, साथ ही कहा कि बच्चों पर अनावश्यक बोझ ना डालें शिक्षक और पेरेंट्स। पीएम मोदी ने शिक्षा के साथ खेलकूद पर भी ध्यान देने का सुझाव दिया, कहा खेलेंगे तभी तो खेलेंगे। बेंगलुरु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए। बेंगलुरु पहुंचने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने स्वागत किया। अमित शाह कर्नाटक के टुमकुर सिद्धगंगा मठ के कार्यक्रम में शरीक हुए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। सिद्धगंगा मठ की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस मठ में जो भी आता है भूखा नहीं जाता। मठ के अंदर जो भी आता है वो कभी भूखा वापस नहीं जाता है। गरीब से गरीब बच्चे को यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। दिल्ली में रूसी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में द्विपक्षीय वार्ता, एस जयशंकर ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में मजबूत हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा मसलों को बातचीत और कूटनीति से हल करने के पक्ष में रहा है, मुश्किल समय में हमारे संबंध मजबूत बने रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड के दौरे पर हुए रवाना, 34 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति नीदरलैंड दौरे पर। बेंगलुरु दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में लोकतांत्रिक सरकार नहीं, ऐसे पैसों के दम पर बनाया गया है। कांग्रेस नेता माइकल लोबो का दावा, गोवा में 15 महीने में सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 36 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी की तैयारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों से वर्चुअल करेंगे संवाद। चार राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद 6 अप्रैल को बीजेपी जोर शोर से मनाएगी स्थापना दिवस। राजस्थान की जनता के लिए राहत भरी खबर, प्रदेश में 50 यूनिट बिजली फ्री। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, AK-47 राइफल, मैगजीन और गोलियां बरामद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने पुलिस से 2 हफ्तों में मांगी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र, एक दिन के लिए आज बुलाया गया स्पेशल सत्र। सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर चंडीगढ़ को पंजाब स्थानांतरित करने की मांग की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे गुरुग्राम, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर अंडरपास और फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम, पंचायत चुनाव को लेकर की बात। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,335 नए मामले। आज से मुंबई में मास्क नहीं पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना। मुंबई में मास्क ना लगाने वालों पर 30 मार्च तक 91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सभी कोरोना प्रतिबंधों को वापस लेने का आदेश किया जारी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, रमजान रामनवमी परीक्षाओं को लेकर धारा 144 लागू की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैलानियों को लुभाने के लिए पहल, वन विभाग अलग अलग हिस्सों में बना रही है टूरिस्ट स्पॉट। सैलानियों के ठहरने और खाने पीने का किया जा रहा इंतजाम, जगह जगह हो रहा है साफ पानी का इंतजाम, रेस्टोरेंट्स का निर्माण। श्रीनगर में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन, ट्यूलिप गार्डन के सामने घाटी के पारंपरिक व्यंजनों का स्टॉल लगाया गया। भुवनेश्वर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का वितरण, अलग अलग क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोगों को मिला सम्मान।
गर्मी से जानवरों को बचाने की पहल, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में लगाया गया कूलर। तेल के दाम कई दिनों की बढ़ोतरी के बाद आज नहीं बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तेल की कीमत सबसे ज्यादा है, पेट्रोल 119.20 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 101.87 रुपए प्रति लीटर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सीएम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने बात की। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज, सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। हिमाचल प्रदेश में संगठन मजबूत करने में जुटी आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन धर्मशाला पहुंचे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पीएचडी छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन किया है, पीएचडी के लिए रुपए मांगने का विरोध किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 5 सुरक्षा गार्डों को निलंबित कर दिया गया है, वाइस चांसलर के घर पर छात्रों ने लिखे थे आपत्तिजनक नारे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसानों को बांटे गए खेती के उपकरण, किसानों की संख्या और आमदनी बढ़ाने पर जोर। गुरुग्राम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुजारी की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार। सूरत पुलिस की अनोखी मुहिम, ऑनलाइन फ्रॉड और हनी ट्रैप से बचाने के लिए कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। कमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपए हुआ महंगा, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं। दोगुनी से ज्यादा हुई नेचुरल गैस की कीमत, 10-15% बढ़ सकते हैं सीएनजी और पाइप से पहुंचने वाली रसोई गैस के दाम। अब हवाई सफर करना होगा और महंगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट और एयरलाइंस के पूर्व प्रमोटर मारन को विवाद को निपटाने के लिए कहा है, मामला ना सुलझने पर 12 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। पटरी पर कारोबार लौटने पर इंडिगो ने दिया अपने पायलटों को तोहफा, वेतन में किया 8% का इजाफा। मारुति सुजुकी लागत बढ़ने के चलते दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जनवरी 2021 से कीमतों में 4 गुना कर चुकी है बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन युद्ध का असर खाद्य तेलों पर भी पड़ रहा है, 25% घट सकती है सूरजमुखी तेल की आपूर्ति। गोवा में खनन के सहारे गुजर बसर करने वाले लोगों ने माइनिंग शुरू करने की गुहार लगाई है, सरकार ने कहा कि जल्द शुरू किया जाएगा। 5G के लिए 2 बड़ी कंपनियां आई सामने, एयरटेल और टेक महिंद्रा मिलकर बनाएंगी इनोवेशन लैब। मोबिक्विक पर अब होगा 2 पहिया वाहनों का बीमा, जल्द मिलेगी बाय नाउ पे लेटर सुविधा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र को किया संबोधित, बोले मुझे लोगों ने इस्तीफा देने के लिए कहा लेकिन मैं आखिरी बॉल तक हार नहीं मानूंगा, रविवार को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। मैं रिजाइन कर दूं, मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं, मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। इमरान खान ने कहा कि रूस जाने के फैसले से अमेरिका नाराज, अमेरिका ने रिश्ते खत्म करने की धमकी दी, बोले अमेरिका को मुझसे दिक्कत दूसरों से नहीं। पीएम इमरान खान ने कहा कि अमेरिका का हिमायती बना मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती, बोले मैं आजाद विदेश नीति का पक्षधर। कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी, हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। इमरान की पूर्व पत्नी रहम खान ने इमरान को बताया मौका परस्त, कहा वो निजी हित में बीवी बहन दोस्त किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से ये देखा है, मैंने तो अपनी आंखों से उनको अजीब अजीब हरकतें करते हुए देखा है और उसी की एक्सटेंशन आपने फिर बाद में भी देखी। लोग जो कहते हैं कि सुधर गए हैं, तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा, जो काली दाल की मैंने किस्से लिखे। रहम खान ने इमरान खान को बताया ना समझ, कहा अपनी गलतियों से किया मुल्क का बेड़ा गर्क। रेहम खान ने इमरान पर चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया, कहा ऐसी सत्ता का यही हश्र होना चाहिए था। जो रास्ते से आने के बावजूद फेल हुए हैं और आउट हो गए हैं और मैं कहूंगी कि डक पे आउट हो गए। यूक्रेन जंग के 37वें दिन मारियोपोल में भीषण जंग, गोले दागते दिखे रूसी फौजी। मारियोपोल में हर तरफ तबाही का मंजर, शहर में सन्नाटा। 1 महीने से मारियोपोल पर लगातार हमले हो रहे हैं, सबसे ज्यादा तबाही मची।
खार्की से दहलाने वाली तस्वीरें, पहले से खंडर शहर पर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। खार्की में धमाकों के बीच गैस लाइन में लगी आग, दूर तक देखी गई ऊंची लपटें। रूस ने यूक्रेन के तेल डिपो पर जबरदस्त हमला किया है, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हमले की तस्वीरें। रूस का बड़ा बयान, एक दिन में 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया। यूक्रेन की सरकार ने कई जगहों पर अपना कब्जा वापस लेने का दावा किया है, करीब एक महीने तक शहर पर रूसी कब्जा था। रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, आज फिर अगले दौर की बातचीत। रूसी विदेश मंत्री लावरोव के मुताबिक यूक्रेनी वार्ताकारों ने की पुष्टि, यूक्रेन एक गैर परमाणु देश के तौर पर रहेगा तटस्थ और नाटो से रहेगा बाहर। ब्रिटेन की सरकार ने रूस के कई मीडिया संस्थानों पर रोक लगा दी है, दुष्प्रचार के आरोप में एक दर्जन से ज्यादा रूसी मीडिया हस्ती और संगठन पर रोक। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की। अफगानिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए काबुल में बैठक, रूस चीन पाकिस्तान सहित कई देशों ने हिस्सा लिया। चिली में पुलिस और आम लोगों के बीच जबरदस्त भिड़ंत, प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह लगाई आग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ली कोरोना की दूसरी बूस्टर डोज, बोले इसमें कोई दर्द नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। आईपीएल में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की है, लखनऊ ने चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 211 रनों का टारगेट दिया था। केएल राहुल और डी कॉक ने 99 रनों की ओपनिंग साझेदारी की है, राहुल 49 रन बनाते हुए नजर आए तो वहीं डी कॉक ने तेज 61 रन बनाए हैं। रॉबिन अथप्पा और शिवम दुबे की ताबड़तोड़ पारियों से चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ 7 विकेट पर 210 रन बनाए। लखनऊ अब पॉइंट टेबल में छठे नंबर पर आ गई है, जबकि लगातार दो मैच हारने वाली चेन्नई 8वें नंबर पर पहुंच गई है। अब आईपीएल में मुंबई इंडियंस का राजस्थान रॉयल्स के साथ दूसरा मैच, मुकाबले से पहले राजस्थान के फास्ट बॉलिंग कोच मलिंगा मुंबई के खिलाड़ियों से मजेदार बातचीत करते नजर आए। वायरल हो रही सोशल मीडिया पर भारती सिंह के मां बनने की खबरों को खुद भारती ने इनकार किया है। लाइव चैट में भारती ने सच बताते हुए कहा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। सोशल मीडिया पर खबरें गर्म हैं कि कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपनी अगली फिल्म में कंगना को साइन करने वाले, लेकिन एक इंटरव्यू में विवेक ने जवाब देते हुए साफ मना किया। भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार रानी जल्द ही बड़े पर्दे पर लेडी सिंगम बनकर बैंड बजाती हुई नजर आएंगी, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक पोस्टर जारी किया है, ट्रिपल आर के डायरेक्टर SS राजामौली से खफा होने वाली अफवाहों को विराम दिया। रणबीर कपूर ने किया एक शॉकिंग खुलासा, रणबीर कपूर ने बताया कि रणधीर कपूर डीमेंटिया नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में क्लिनिक के बाहर दिखी गीता बसरा, हंसिका मोटवानी को मुंबई एयरपोर्ट के बाहर देखा गया। हरनाज कौर को बेहद अलग और स्टाइलिश अंदाज में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। मुंबई के बांद्रा इलाके में पाली हिल जिम के बाहर दिखी जानवी कपूर। यशराज स्टूडियो पर मूवी अटैक की स्क्रीनिंग की मेजबानी करते दिखे जॉन अब्राहम। कंगना रनौत बांद्रा के मीजो रेस्टोरेंट में मुलाकात के बाद तस्वीर खिंचवाती नजर आई। डांस दीवाने जूनियर्स शो के सेट पर नजर आई नोरा फतेही। फिल्म जर्सी के प्रमोशन के लिए शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर को स्टूडियो में देखा गया। शाहरुख खान पठान की शूटिंग शेड्यूल कर लौटे मुंबई। डांस दीवाने जूनियर शो सेट पर टाइगर श्रॉफ के साथ तारा सुतारिया ने हीरोपंती 2 को प्रमोट किया।